कुदरत होती है, इस पर किसका कानून चलता है? इन फल सब्जियों के नाम कौन रखता होगा? कि आलू को आलू कौन बोलता होगा? कौन डिसाइड करता होगा कि केला खुले में नहीं कवर पहन कर आएगा, अंगूर अकेला नहीं गुच्छे में आएगा? अच्छा यार, कुछ फल ऐसे होते हैं जो नाम से ही महंगे होते हैं। जैसे अपनी स्ट्रॉबेरी को ले लो, ऐसा लगता है जैसे बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हो। और आप लोग भी देखते होंगे जो फल सस्ते होते हैं वो ठेले पे इधर उधर फैले रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी अलग से एक अच्छे डिब्बे में पैक होकर आता है। एक्चुअली जितना महंगा फल उतनी उसकी इज्जत। लेकिन नाम से भी काफी फर्क पड़ता है। अब जैसे धनिया ही ले लो, इसके नाम से लगता है कि ये मुफ्त में आता होगा। अगर कोई पैसा देके खरीद भी ले तो बनती तो चटनी ही है। अब धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता। सही कह रहा है, क्या बात है। लेकिन यार, एक मिर्ची ऐसी होती है जिसे जितनी सस्ती खरीदो और ज्यादा खा ली तो महंगी पड़ जाती। सच में। लेकिन यार, मुझे नींबू समझ में नहीं आता, वो दुनिया में आया ही क्यों? उस बेचारे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अभी उसको निचोड़ देते हैं तो कभी घर के बाहर, तो कभी गाड़ी पर टांग देते हैं। हाँ यार, रिपा जानते हैं का क्या हुआ? हमारे पड़ोस के अंकल है, अब वो पत्ता गोभी लिया है, अब वो छीलते रह गए। फिर मैंने पूछा कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बेटा इसमें तो सिर्फ पत्ता ही पत्ता निकलना है, गोभी निकल ही नहीं रही है। सही कहते हो भाई, इन सब सब्जियों के अलग अलग एटीट्यूड हैं। एक्चुअली तुम्हें पता है, जब सब्जी का ठेला जा रहा होता है तो स्पीड ब्रेकर आने पर सब्जियां एक दूसरे की टांग पकड़ लेती हैं कि कहीं न कहीं गिर ना जाए, लेकिन उस समय सिर्फ कद्दू ही होता है जो कॉन्फिडेंट रहता है। हाँ, वही मोटा सा जिसके सर पे टुंडी, जिसका फुल नेटवर्क रहता हो, उसको पता रहता कि जब तक ठेला पलटेगा नहीं मेरा कुछ नहीं। तो देखा आप लोगों ने कि प्रकृति ने हमें कई तरह की चीजों से नवाजा है। ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, पर पेड़ों की कतार धूल मिट्टी के स्तर को 75% तक कम कर देती है, और शोर को 50% तक कम करती है। थैंक यू। एक्नॉलेजमेंट प्रोग्राम एंड द पार्टिसिपेंट्स आर अभय यादव, अंकुर यादव, आदिल अली, आकृति, अभिषेक, कुशल।